वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में दोस्तों हम इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये एग्जांपल नंबर है 3.2 और ये पेज नंबर होगा 65। तो वहां पे भी आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ गैस फ्रॉम अ बॉटल ऑफ कंप्रेस हीलियम इज यूज्ड टू इन्फ्लेट एन इनइलास्टिक फ्लेक्सिबल बैलून ओरिजिनली फोल्डेड कंप्लीटली फ्लैट to volume of 0.5 meter cube. If the barometer reads 760 mm of mercury, what is the amount of work done upon the atmosphere by the balloon? यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? Amount of work done फाइंड करना है। और साथ ही में हमें जो सिस्टम का स्केच बनाना है बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। प्रोसेस से पहले सिस्टम का स्केच क्या था और प्रोसेस के बाद सिस्टम किस तरीके से दिखेगा, तो वही यहाँ पे हमें स्केच बनाना है उसका। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और साथ साथ इसका डायग्राम बनाते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसको फिर से। गैस फ्रॉम अ बॉटल ऑफ कंप्रेस हीलियम इज यूज्ड टू इन्फ्लेट अ बैलून। इसका मतलब क्या, देखो एक बैलून एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर हीलियम गैस है और ये इस बॉटल का वेल्व है, ये बॉटल हो गया। अब यहाँ पे इस बॉटल के अंदर हीलियम गैस है। अब इस हीलियम गैस से हम क्या करेंगे, बैलून के अंदर ये हीलियम गैस फिल करना है हमें। और जो बैलून का जो इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे देखो ओरिजिनली फोल्डेड कंप्लीटली फ्लैट, जो बैलून है हमारा वो इनिशियली फ्लैट पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन है ये बैलून का, मतलब बैलून का वॉल्यूम है 0 meter cube। अब यहाँ पे देखो जैसे ही हम वेल्व को ओपन करेंगे तो बैलून क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा बैलून। इस तरीके से बैलून के अंदर हीलियम गैस फिल हो गई। तो यहाँ पे जो बैलून का वॉल्यूम है वो कितना क्या है, 0.5 meter cube, मतलब 0.5 meter cube वॉल्यूम गैस निकल के बॉटल से कहाँ ट्रांसफर हो गई है, इस बैलून के अंदर हो गया। तो बैलून का जो फाइनल वॉल्यूम है कितना आ गया, 0.5 meter cube। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 0 है। बैरोमीटर रीड कर रहा है जब इसके अंदर, इस बैलून के अंदर हीलियम गैस फिल हुआ, उस वक्त बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो प्रेशर मेजर करता है। तो उसमें जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है, 760 mm ऑफ मरकरी। इसका मतलब क्या, देखो 760 mm ऑफ मरकरी ये इक्वल होता है दोस्तों 1.01325 × 10^5 पास्कल। इज द एसआई यूनिट, mm ऑफ मरकरी ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको हमने ऐसा यूनिट में चेंज कर लिया। सो यहाँ पे हमें प्रेशर दे रखा है 1.0135 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 pascal इज इक्वल टू 1 newton per meter square। सो प्रेशर हो गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे वर्क फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे सिस्टम कौन सा है, हमें फाइंड क्या करना है, देखो किसका वर्क फाइंड करना है। यहाँ पे देखो वर्क डन अपॉन द एटमोसफेयर बाय द बैलून, बैलून की वजह से एटमोसफेयर पे कितना वर्क हुआ हमें वो फाइंड करना है। यहाँ पे ये दोस्तों हमने स्केच बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये है हमारा एटमोसफेयर, ये बॉटल है और ये हमारा है बैलून। तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल 3 सिस्टम है। अब यहाँ पे क्लियरली जो सिस्टम है हमारा वो डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा नेटवर्क होगा, पहले नेटवर्क निकालते हैं। तो पहला जो वर्क है वो बॉटल का वर्क होगा प्लस बैलून का वर्क, ठीक है। तो बॉटल हमारा रिजिड कंटेनर है, बॉटल रिजिड कंटेनर है। तो इस सिस्टम के अंदर देखो बॉटल का ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है और ना ही वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। सो मतलब वॉल्यूम एक रिजिड कंटेनर है और एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है बॉटल के अंदर, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो 0 के इक्वल आएगा, बिकॉज जो वर्क होता है क्लोज सिस्टम में वो, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वर्क, और जिसका एक्सप्रेशन होता है P∆V। तो यहाँ पे ∆V इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो वर्क डन बाय बॉटल इज 0, बॉटल किसी भी तरीके का वर्क नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे देखो जो बॉटल है हमारा, इसमें से वर्क ट्रांसफर हो रहा है, इसमें से गैस ट्रांसफर होके किसमें जा रही है, इस बैलून के अंदर जा रही है। सो बैलून का वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। सो बैलून यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे बैलून का वर्क कितना हो गया वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर है हमारा वो कितना है, 1.0135 × 10^5 pascal, और वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कितना है, 0.5 - इनिशियल वॉल्यूम है 0। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट वर्क आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा किसके, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 50.66 × 10^3 joule। ये हमारा दोस्तों वर्क आ गया, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क आ गया, इतना वर्क इस बैलून के अंदर क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है बॉटल से निकल के,
ठीक है। अब यहां पे देखो, बट हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन द एटमोस्फेयर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो एटमोस्फेयर है हमारा, बिकॉज हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है वर्क डन अपॉन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर पर कितना वर्क हुआ। सो एटमोस्फेयर ही हमारा क्या हो गया इस वक्त, सिस्टम है। सो हमें ये डिपेंड करता है हम सिस्टम किसको कंसिडर करेंगे, उसके हिसाब से हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है। सो एटमोस्फेयर हमारा सिस्टम हो गया। अब इस एटमोस्फेयर पे वर्क कौन कर रहा है, हम इस एटमोस्फेयर को वर्क दे रहे हैं। जब बैलून का साइज एक्सपैंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, बैलून अपना वर्क ट्रांसफर कर रहा है किस पे, एटमोस्फेयर पे। सो यहाँ पे देखो, जब भी हम सिस्टम में वर्क सप्लाई करते हैं तो वो वर्क नेगेटिव वर्क होता है। तो वर्क डन अपॉन द एटमोस्फेयर बाय द बैलून इज नेगेटिव, और जो कि इक्वल आएगा -50.66 × 10³ जूल। सो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये एग्जांपल नंबर 3.3 है। व्हेन द वेल्व ऑफ इवैक्यूएटेड बॉटल इज ओपन, इस बार जो हमारा बॉटल है ये वैक्यूम है, ठीक है, और इस बार बैलून नहीं है, और ये जो वेल्व है इस वक्त क्लोज पोजीशन पे है ये। एट एटमोस्फेरिक एयर रशेस इनटू इट, जो यहाँ पे आउटसाइड एटमोस्फेयर है हमारा और एटमोस्फेयर एयर से बना हुआ है। इफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 101.325 kPa, जो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 101.325 kPa है, तो यहाँ पे इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे लिखा है 0.6 m³ ऑफ एयर एंटर इनटू द बॉटल, इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एयर इस बॉटल के अंदर एंटर हो रहा है जब ये वेल्व हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हम वेल्व ओपन करेंगे तो इसके आसपास क्या होगा, इस तरीके से जो एयर होगा वो यहाँ पे इस तरीके से एंटर होने चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दो सिस्टम है हमारे पास, एक सिस्टम है हमारा बॉटल, ठीक है, और एक सिस्टम है हमारा एयर। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको सिस्टम मानेंगे, उसके हिसाब से हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है। और यहाँ पे भी हमें वर्क डन निकालना है, तो सबसे पहले हम वर्क ट्रांसफर निकालते हैं, कितना वर्क ट्रांसफर हुआ है बॉटल से एयर में या फिर एयर से बॉटल में। तो यहाँ पे हमारा जो साइन है वो साइन हमें स्पेसिफाई कर देगा कि वर्क ट्रांसफर बॉटल से एयर में हुआ है या फिर एयर से बॉटल में हुआ है, बट ये डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। तो चलिए हम सबसे पहले वर्क डन फाइंड करते हैं। तो देखो, जो वर्क डन होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट वर्क P∆V, यही डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, एक हमारा बॉटल का होगा और एक एयर का होगा। सो यहाँ पे ये जो है ये बॉटल का हो गया सपोज, और ये वाला एयर का हो गया। सो बॉटल एक रिजिड कंटेनर है, और रिजिड कंटेनर का वॉल्यूम ना तो एक्सपैंड होता है और ना तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया इस बॉटल का, जीरो हो गया। सो मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है इस बॉटल के अंदर, तो वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो होता है। तो चलिए अब एयर का निकालते हैं। अब एयर का हमें प्रेशर मालूम है और वॉल्यूम हमें पता है, तो यहाँ पे देखो 0.6 m³ एयर एंटर कर रही है, पहले इसके अंदर कुछ भी एयर एंटर नहीं किया था। सो यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर कितना है 101.325 × 10³, और चेंज इन वॉल्यूम हो गया हमारा 0.6 m³ ऑफ एयर इसके अंदर एंटर कर रही है, और जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था वो जीरो था, बिकॉज ये जो बॉटल है ये वैक्यूम है। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60.8 और × 10³ जूल। सो इसको हम लिख सकते हैं 60.8 kJ। तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय एयर फाइंड करना है। तो एयर जो है हमारा, जो एटमोस्फेरिक एयर है, ये हमारा हो गया सिस्टम। अब बाय एयर, देखो एयर क्या कर रहा है, एयर वर्क ट्रांसफर कर रहा है किसमें, बॉटल में, क्योंकि एयर सारी की सारी एयर कहाँ पे जा रहा है, बॉटल के अंदर फिल हो रहा है। सो देखो, जब भी सिस्टम से हमें वर्क मिलता है तो वो वर्क पॉजिटिव होता है। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, और जो कि इक्वल होगा किसके, +60.8 kJ। अगर हमें पूछा जाता है कि इस बॉटल के अंदर एयर ट्रांसफर हुई है, सो यहाँ पे अगर बॉटल सिस्टम है हमारा, बॉटल अगर हमारा सिस्टम है, तो जो एयर है इस बॉटल के अंदर एंटर कर रही है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे इस बॉटल के अंदर एंटर कर रहे हैं। सो यहाँ पे सिस्टम पर वर्क हो रहा है, तो वर्क डन बाय बॉटल क्या होगा इस वक्त, नेगेटिव होगा, अगर हमें क्वेश्चन में वर्क डन बाय बॉटल पूछा गया होता तो। बट यहाँ पे हमें वर्क डन बाय एयर पूछा है, ठीक है, तो एयर पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो एयर है, एयर पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। सो इस तरीके से हमारा ये
आंसर हो गया पॉजिटिव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि एग्जांपल नंबर 3.4 है। चलिए इसको रीड करते हैं। अ पिस्टन एंड सिलेंडर मशीन कंटेनिंग अ फ्लूइड सिस्टम हैज अ स्टीयरिंग डिवाइस इन द सिलेंडर। इसका मतलब है दोस्तों, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है और इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में स्टीयरिंग डिवाइस कनेक्ट है। स्टीयरिंग डिवाइस क्या होता है दोस्तों? एक फैन और शाफ्ट होता है जो भी फ्लूइड है उसको रोटेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा सिलेंडर पिस्टन है, इनके बीच में फ्रिक्शन लेस है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस नहीं हो रहा। एंड इट इज हेल्ड डाउन अगेंस्ट द फ्लूइड ड्यू टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ 101.325 किलो पास्कल। ये जो पिस्टन है दोस्तों, इसके अपोजिट साइड में जो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू हमें गिवन है। मतलब ये जो जब भी पिस्टन मूव करेगा तो ये इस प्रेशर के अगेंस्ट मूव करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। द स्टीयरिंग डिवाइस इज टर्न 10,000 रेवोल्यूशन। देखो, जो हमारा शाफ्ट है ये कनेक्ट है पुले से, और पुले पे हमने जैसे ही वेट डालेंगे तो ये वेट नीचे की तरफ मूव करेगा और ये जो शाफ्ट है ये रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, शाफ्ट रोटेट करेगा तो फैन भी रोटेट करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इस शाफ्ट से जो वर्क है वो इस सिस्टम पर ट्रांसफर हो गया। सिस्टम क्या है हमारा? ये सिस्टम हमारा सिलेंडर ही हमारा सिस्टम है और इस सिलेंडर के अंदर है फ्लूइड। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले शाफ्ट ट्रांसफर कर रहा है वर्क सिस्टम पर। तो ये क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। सो W1 इसको हम डिनोट करते हैं, जो कि आंसर जो होगा हमारा, जो साइन कन्वेंशन है वो नेगेटिव में हमें लेना है यहाँ पे। सो ये नेगेटिव होगा। अब उसके बाद देखो, इसका जो रिवोल्यूशन है, जैसे हमने वेट डाला, ये जो शाफ्ट है इसका जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है ये 10,000 बार रिवॉल्व कर रहा है। 10,000 बार ये रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व करने के थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये जो पिस्टन है ये मूव कर रहा है 0.8 मीटर डिस्टेंस। यहाँ पे आगे पढ़ते क्वेश्चन को। एवरेज टॉर्क अगेंस्ट द फ्लूइड ऑफ 1.275 mn नहीं है, ये न्यूटन मीटर है, इसको सही कर लेना। जो टॉर्क है हमारा, टॉर्क की वैल्यू हमें गिवन है 1.275 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क है बिकॉज शाफ्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो रोटेशन में टॉर्क वर्ड यूज होता है। सो यहाँ पे जो शाफ्ट का टॉर्क हमें गिवन है, अब यहाँ पे जो पिस्टन है वो भी दे रखा है। पिस्टन का जो डायामीटर है वो 0.6 मीटर डायामीटर है, और जो मूव कर रहा है पिस्टन कितना डिस्टेंस कर रहा है? 0.8 मीटर डिस्टेंस मूव कर रहा है। सो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? सिस्टम से वर्क सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है। सो ये वर्क हो गया हमारा W2। सो देखो, जो सिलेंडर है, सिलेंडर वर्क ट्रांसफर कर रहा है किस पे? सराउंडिंग में। सो दिस वर्क इज पॉजिटिव बिकॉज वर्क डन बाय द सिस्टम है। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड द नेट वर्क ट्रांसफर फॉर द सिस्टम, कितना वर्क ट्रांसफर हुआ। सो यहाँ पे W1 प्लस W2, तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले W1 कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन बाय शाफ्ट। शाफ्ट ने कितना वर्क ट्रांसफर किया फ्लूइड के अंदर? सो इसमें नंबर देखो, वर्क क्या होता है यहाँ पे? फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब रोटेशन में फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं और डिस्टेंस को थीटा कहते हैं। ठीक है, अब शाफ्ट देखो रिवॉल्व कर रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन कितना हो गया? 360 डिग्री, जिसको हम रेडियन पे लिख सकते हैं 2π। ठीक है, सो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे 1.275 न्यूटन मीटर है, ऐसा यूनिट में है, और थीटा की वैल्यू रेडियन में डालते हैं 2π। बट यहाँ पे दोस्तों, ये जो हमारा वर्क आया है ये एक रिवॉल्यूशन का आया है, तो ऐसे 10,000 रिवॉल्यूशन हो रहा है। सो यहाँ पे 10,000 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों 80 किलो जूल आ जाएगा। अब दोस्तों ये पॉजिटिव में आ रहा है, बट यहाँ पे देखो सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं। सो इस W1 को हम क्या लेंगे? माइनस 80 किलो जूल लेंगे, बिकॉज हमारा जो हम वर्क क्या निकाल रहे हैं? हम सिस्टम का वर्क निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम पर वर्क हो रहा है, सो यहाँ पे ये वर्क हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पे हम W1 हमने फाइंड कर लिया, अब W2 फाइंड करते हैं। सो जो अब देखो W2 कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, जो हमारा सिलेंडर है ये मूव कर रहा है, ठीक है, और जब भी मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला है P ∆V, चेंज इन वॉल्यूम। सो यहाँ पे जो प्रेशर है हमारा वो गिवन है हमें कितना? 101.325 किलो पास्कल। तो इसको किलो पास्कल में ही रहने देते हैं, तो हमारा वर्क भी किलो जूल में आएगा। सो 101.325 किलो पास्कल। वॉल्यूम होता है दोस्तों एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, मतलब इतना वॉल्यूम अगर हम निकाल दें तो ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। सो इसमें से इतना वॉल्यूम माइनस करोगे तो इतना वॉल्यूम आएगा। सो डायरेक्ट हम इतना वॉल्यूम निकालते हैं, तो देखो इसकी लेंथ हमें पता है, इसकी लेंथ कितनी है? 0.8 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो वॉल्यूम, जो चेंज इन वॉल्यूम है ये हो गया एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ को डेल्टा एक्स डिनोट करते हैं, एरिया हमारा पाई बाय 4, और डायामीटर दे रखा है पिस्टन का, पिस्टन का डायामीटर है 0.6 स्क्वायर, और चेंज इन लेंथ कितना है? 0.8।
सो ये हमारा दोस्तों वॉल्यूम आ गया। जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करो यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करना, इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 22.9 किलो जूल। अब यहाँ पे ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे सिस्टम से सराउंडिंग में वर्क ट्रांसफर हो रहा है। सो यहाँ पे ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे वर्क ट्रांसफर फॉर द सिस्टम कितना हो गया, W1 की वैल्यू डालते हैं -80 प्लस 22.9। सो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -57.1 किलो जूल। सो इतना अमाउंट ऑफ वर्क क्या हुआ है, सिस्टम में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, सिस्टम पर इतना वर्क ट्रांसफर हुआ है, सराउंडिंग में 22.9 किलो जूल ट्रांसफर हुआ है, और इस शाफ्ट से सिस्टम पर कितना ट्रांसफर हुआ है, 80 किलो जूल ट्रांसफर हुआ है। सो इस तरीके से दोस्तों न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जांपल नंबर 3.6 है, रीड करते हैं इसको। इट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 टन्स पर आवर ऑफ आयरन फ्रॉम अ चार्ज एट 15 डिग्री सेल्सियस टू मोल्टन मेटल एट 1650 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा आयरन है वो इनिशियली 15 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, अब इस आयरन को हम मेल्ट कर रहे हैं और जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है वो है 1650 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे दोस्तों जो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर हमें मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है आयरन का, ये मेल्टिंग पॉइंट है, तो मतलब 15 से और ये 1650 के बीच में यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारा 1535 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस पॉइंट पे दोस्तों फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो 15 डिग्री सेल्सियस पे आयरन हमारा सॉलिड है और 1650 पे तो ये मोल्टन मेटल है, मतलब जो टेम्परेचर है हमारा वो मेल्टिंग पॉइंट से आगे तक गया है। एक्चुअली में जो आयरन है वो 1535 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो मोल्टन मैटर है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन इसके बाद ही हो गया है, ठीक है, तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो अगर हमें रेट ऑफ हीट सप्लाई निकालना होगा, हीट रिक्वायर टू मेल्ट द मेटल, तो सबसे पहले हीट कौन सा होगा, सबसे पहले स्पेसिफिक हीट आएगा, दो हीट होती है, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट हम जब सप्लाई करते हैं जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो, और लेटेंट हीट हम जब सप्लाई करते हैं जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो या फिर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो। सो सबसे पहले यहाँ पे जो हीट है वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे MC∆T, ठीक है, ये हमारा जो स्पेसिफिक हीट है ये आयरन का स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 1535 से 15 डिग्री सेल्सियस तक, प्लस उसके बाद देखो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सो यहाँ पे लेटेंट हीट आ जाएगा, प्लस उसके बाद देखो इसके बाद आ गया हमारा फिर वापस से स्पेसिफिक हीट, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ और टेम्परेचर और यहाँ पे कुछ और टेम्परेचर है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा हीट सप्लाई होगा। ये जो स्पेसिफिक हीट है, अब इस वक्त आयरन क्या है, लिक्विड स्टेट में है, तो ये लिक्विड स्टेट का स्पेसिफिक हीट यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे सॉलिड स्टेट का आएगा, और यहाँ पे देखो लेटेंट हीट हमें कितना दे रखा है, 270 किलो जूल पर केजी दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है सॉलिड स्टेट में 0.502 और लिक्विड स्टेट में 29.93 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट यहाँ पे आयरन का कितना दे रखा है, 56 होता है आयरन का, यहाँ पे 3 को काट के 6 कर लो इसे। सो यहाँ पे रेट हीट रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, अब मास हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे 5 टन्स पर आवर लिखा है, तो ये मेल्टिंग रेट है, मेल्टिंग रेट है, मतलब एक घंटे में 5 टन आयरन क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। बट यहाँ पे देखो सबसे पहले हम 1 केजी का निकालते हैं, 1 केजी आयरन को मेल्ट करते समय कितनी हीट रिक्वायरमेंट हो रही है, सो यहाँ पे 1 केजी हम पुट करेंगे एम की वैल्यू, सो स्पेसिफिक हीट सॉलिड स्टेट में कितना है, 0.502 किलो जूल पर केजी केल्विन में है इसकी यूनिट। स्पेसिफिक हीट हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस देखो 1535 डिग्री सेल्सियस -15, ठीक है, इतने टेम्परेचर डिफरेंस तक जो हमारा आयरन है वो सॉलिड स्टेट पे है। लेटेंट हीट कितना है हमारा, मास 1 केजी है, लेटेंट हीट है 270 किलो जूल पर केजी, सारी यूनिट किलो जूल केजी में है, प्लस स्पेसिफिक हीट लिक्विड स्टेट पे देखो 29.93 डिवाइड बाय एटॉमिक वेट जो कि 56 होता है आयरन का, टेम्परेचर डिफरेंस 1650 -1535 डिग्री सेल्सियस। अब इन सभी वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1094.5 किलो जूल पर केजी। तो ये दोस्तों 1 केजी का आया है, ठीक है, और हमारा देखो मेल्टिंग रेट कितना है, किस रेट से आयरन पिघल रहा है, 5×10³, 5 टन्स मतलब 1 टन 10³ केजी पर आवर, एक घंटे में इतना टन आयरन मेल्ट हो रहा है।
सो ये मेल्टिंग रेट हो गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं रेट ऑफ हीट रिक्वायर, इतने 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 मेटल को मेल्ट करते समय कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी। सो रेट ऑफ हीट रिक्वायर इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ × 1094.5। जिसको सॉल्व करने पे एक काम करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारा है मेल्टिंग रेट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट है। सो ये किलो जूल पर आवर में हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे रेट ऑफ हीट सप्लाई हो गया, ये कितने टन आयरन का है, ये 5 टन आयरन का हमने रेट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट निकाला है। अब आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, जो भी इस मेटल को मेल्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फर्नेस है, मतलब बिजली के जरिए हम इस मेटल को मेल्ट कर रहे हैं, और जो हमारा फर्नेस है उसकी एफिशिएंसी है 70% एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। सो यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, इनपुट क्या है, इनपुट हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया, करंट दिया, करंट ही हमारा क्या है, इनपुट है। यहाँ पे देखो फाइंड क्या करना है, किलोवाट रेटिंग नीडेड, किलोवाट मतलब ये हमें जो हमारा इनपुट है वही फाइंड करना है, हमें पावर रेटिंग फाइंड करना है, कितनी बिजली लगेगी हमें ताकि हम इतना मेटल मेल्ट कर पाए। सो हमें यही फाइंड करना है पावर रेटिंग, और वो भी किलोवाट में, ठीक है। और आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट है रेट ऑफ हीट सप्लाई, ठीक है, जितनी हीट हमने सप्लाई करी 5 टन पर आवर मेटल को मेल्ट करते समय। सो यहाँ पे रेट ऑफ हीट सप्लाई है 5 × 10³ × 1094.5, ये आवर में है, इसको सेकंड्स में चेंज कर लो। सो यहाँ पे आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय यहाँ पे रेटिंग ऑफ पावर, इसकी एफिशिएंसी है, नेक्स्ट पेज पे देखो इसको एफिशिएंसी है 70%। सो इसको हम 0.70 लिखते हैं, इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट सप्लाई कितना था, 5 × 10³ × यहाँ पे है 1094.5, सो 1094.5, और इसको हमने सेकंड्स में चेंज कर लिया था। सो यहाँ पे पावर रेटिंग आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर देंगे तो पावर रेटिंग आ जाएगा, इतनी हम इतनी पावर सप्लाई करेंगे तो इतना आयरन मेल्ट होगा। सो पावर रेटिंग इसको सॉल्व कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 217 × 10³ किलोवाट। इतना पावर सप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5 टन आयरन हमारा मेल्ट होगा। सो यहाँ पे हमारा जो पावर रेटिंग है वो आ गया, डेंसिटी हमें दे रखी है मोल्टन मेटल की। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, एंड द बाथ वॉल्यूम इज 3 टाइम्स द आवरली मेल्टिंग रेट। यहाँ पे बाथ वॉल्यूम दे रखा है, और क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ सिलेंड्रिकल फर्नेसेस इफ लेंथ टू डायामीटर रेशियो इज 2। जो सिलेंड्रिकल फर्नेस है उसका लेंथ और डायामीटर रेशियो 2 दे रखा है, मतलब L हो गया हमारा 2D के इक्वल। और बाथ वॉल्यूम देखो क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें, बाथ वॉल्यूम इज 3 टाइम्स द आवरली मेल्टिंग रेट। देखो बाथ वॉल्यूम एक्चुअल में है क्या, देखो जब मेटल मेल्ट करेगा, ठीक है, तो जो मोल्टेन मेटल है हमारा, ठीक है, जो मोल्टेन मेटल है उसको हम फर्नेस में डालेंगे एक, ठीक है, और वो फर्नेस कैसा है हमारा, सिलेंड्रिकल फर्नेस है, सिलेंड्रिकल फर्नेस है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा आयरन है ये 5 टन आयरन है, 5 टन आयरन एक घंटे में मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल है हमारा, इस सिलेंडर का लेंथ कितना होगा और डायामीटर कितना होगा वो हमें पता लगाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस मोल्टेन मेटल को इस सिलेंड्रिकल फर्नेस में पोर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम है हमारा, बाथ वॉल्यूम जो है मोल्टेन मेटल का, जो वॉल्यूम है वो 3 टाइम्स है किसके, मेल्टिंग, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, मेल्टिंग रेट के, ठीक है। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, तो यहाँ से देखो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं 3 × देखो वॉल्यूम होता है मास इंटू डेंसिटी, मास इंटू डेंसिटी होता है, डेंसिटी देखो कितनी दे रखी है हमें, 6900 दे रखा है। सो यहाँ पे देखा 3 × ये हो गया 6900, और जो मेल्टिंग रेट है वो कितना है, 5 × 10³, 5 tons/kg/h। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 2.18 m³। सो यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, देखो इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा π d² / 4 × लेंथ, और जो हमारा वॉल्यूम है 2.18 π, और ये d² / 4 और लेंथ है 2d। इसको सॉल्व करोगे तो डायमीटर आ जाएगा हमारा 1.15 m, और लेंथ आ जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2 × 1.15 m, जिसको सॉल्व करोगे तो 2.30 m आ जाएगा। सो इस तरीके से दोस्तों हमें सॉल्व एग्जांपल्स करने थे।